हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। और मैं प्रज्वल सिंह आपका टॉप 10 क्लासेस में एक बार बच्चों फिर से स्वागत करता हूं। और हम आज आपका हम रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन आपका क्या होता है इसके बारे में बच्चों हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग ही लगा लेते हैं बच्चों, रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है बच्चों कि जब हम कोई अभिकारक लेंगे, कुछ हमारे पास अभिकारक दिए रहेंगे और हमें कुछ प्रोडक्ट दिए रहेंगे बच्चों, और उसे हम बनाएंगे कैसे, उस चीज़ का बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन है कि प्रोपीन से प्रोपेन वन आल आप कैसे बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, प्रोपीन से प्रोपेन वन आल। तो बच्चों हमें यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन लगा हुआ क्या है आपका, प्रोपीन से प्रोपेन वन आल हमें बनाना है और इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर इसका हम आंसर देखें, यदि हम इसका आंसर देखें तो सबसे पहले बच्चों हमें जानना पड़ेगा प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रोपीन की प्रोप शब्द से ही मतलब है आपके प्रोपीन में कितने कार्बन, तीन कार्बन होंगे। तो हमने आपके यहाँ पर कार्बन लिख दिया आपके एक दो और तीन। और प्रोपीन है बच्चों प्रोप धन इन, मतलब आपका डबल बंद है। आप बच्चों चाहे प्रोपीन लिखे और चाहे वन प्रोपीन लिखे, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपका हमने फर्स्ट वाले कार्बन से हमने आपका डबल बंद ज्वाइन कर दिया, और फिर जो रिमेनिंग थे बच्चों उससे हमने एकल बंद ज्वाइन कर दिया। अब जो बचे हुए हैं, जो आपकी वैलेंसी खाली है, उसको हम हाइड्रोजन से मतलब आवारा तत्व से क्या करेंगे, संतृप्त कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन ने कितने बंद बनाए, एक दो, मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगेंगे। और यहाँ पर इस कार्बन ने कितने बंद बनाए, ये वाला एक दो और तीन, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन लगेंगे। और इसने एक ही बनाया, मतलब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगे आपके, तीन हाइड्रोजन लगेंगे। तो ये बच्चों किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, प्रोपीन का स्ट्रक्चर हो गया। और प्रोपीन से हमें क्या बनना है, प्रोपेन बनाना है बच्चों। क्या बनाना है आपका, प्रोपेन। प्रोपेन का क्या मतलब है आपके, कितने कार्बन होंगे, तीन कार्बन होंगे। और प्रोपेन है बच्चों मतलब एन लगा हुआ है, तो आपके तीनों कार्बन एकल बंध से आपके ज्वाइन होंगे, एकल बंध से आपके जुड़े रहेंगे। तो यदि बच्चों यहाँ पर देखें कि आपका जो आल शब्द है बच्चों, वन आल लिखा हुआ है, मतलब OH समूह आपका फर्स्ट कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, एक दो और तीन। अगर बच्चों यहाँ पर हम आपके हाइड्रोजन को लगाएं, तो यहाँ पर देखिए एक बंद बना बच्चों और ये क्या है, दो बंद। तो यहाँ पर कितने बच गए, CH2। और यहाँ पर बच्चों इसने कितने बनाए, एक और दो। तो यहाँ पर कितने बच गए बच्चों आपका, CH2, दो बचे ना। और यहाँ पर बच्चों एक बनाया, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, CH3। तो आप कैसे बनाएंगे प्रोपीन से यह प्रोपेन वन आल, तो इसके विषय में आप समझिए। तो सबसे पहले बच्चों हमें इस प्रोपीन जो आपका दिया हुआ है, ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। ये तो हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली कि आपका प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रोपेन वन आल का बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम बात करेंगे हम बनाएंगे कैसे। तो मतलब सबसे पहले आपको दे दिया है CH3, CH डबल बंद और CH2, और आपको बनाना है क्या बच्चों, वन आल। यहाँ पर OH समूह आपको फर्स्ट कार्बन परमाणु से जोड़ना है। अब OH समूह फर्स्ट कार्बन परमाणु से आप कैसे जोड़ेंगे बच्चों, तो सबसे पहले जब भी आपको OH समूह जोड़ना हो बच्चों, तो सबसे पहले अगर आपकी एल्कीन है या आपका एल्काइन है, तो सबसे पहले उसको हम हैलो एल्केन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसे हम क्या करेंगे, हैलो एल्केन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन उठता है कि हम इसे हैलो इनके एल्केन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर आपका पहले कार्बन परमाणु पे अगर आपको हैलोजन चाहिए, तो हमेशा हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और यदि आपको सेकेंडरी दूसरे कार्बन परमाणु पे आप हैलोजन चाहिए बच्चों इस पर, तो हम आपका रूल अप्लाई करते हैं मार्कोनिका रूल। तो यहाँ पर बच्चों जैसे हम आपका रिएजेंट ले लेते हैं बच्चों, क्या ले लेते हैं आपका, हमने HBr ले लिया।
अगर बच्चों यहाँ पर हमने मार्कोनिकाफ रूल लगाया, कौन सा रूल लगाया? मार्कोनिकाफ रूल लगाया, तो आपका निगेटिव पार्ट, तो ये क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव पार्ट होगा, एच प्लस होगा, और ये क्या बच्चों? आपका बी आर माइनस होगा। तो निगेटिव पार्ट कहाँ पर जुड़ेगा बच्चों? तो ये देखिए आपका, यदि यहाँ पर देखिए तो आपका इस प्रकार से आपका जो ये पाई बंद ब्रेक होगा, ये आपका क्या है? पाई बंद है मान लिया, तो इस प्रकार से ब्रेक होगा बच्चों। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? प्लस आएगा। तो एच कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर जुड़ेगा, और बी आर कहाँ पर जुड़ेगा? यहाँ पर जुड़ेगा। तो ये कौन सा रूल हुआ? मार्कोनिकाफ रूल हुआ। लेकिन बच्चों आपका OH समूह पहले कार्बन परमाणु पर है, इसलिए हैलोजन परमाणु कहाँ पर जोड़ना है? आपको पहले कार्बन परमाणु पर जोड़ना है। तो आप क्या लगाएंगे बच्चों? एंटी मार्कोनिकाफ रूल, एंटी मार्कोनिकाफ रूल। अब बच्चों आप एंटी मार्कोनिकाफ रूल लगाएंगे, और एंटी मार्कोनिकाफ रूल लगाएंगे तो आपका बच्चों ये पता होना चाहिए, एंटी मार्कोनिकाफ रूल में आपका लेना पड़ेगा, आपको एक पराक्साइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों? पराक्साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि पराक्साइड जब हम लेते हैं तो आपका जो बंद होता है वह होमोलिटिकली ब्रेक होता है। और सबसे पहले बच्चों आप इतना ही जानिए, एंटी मार्कोनिकाफ रूल मार्कोनिकाफ रूल का क्या होता है? उल्टा होता है। तो बी आर कहाँ पर लगेगा बच्चों? बी आर लगना यहाँ पर चाहिए, लेकिन लगेगा कहाँ पर? यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों? आपका बी आर लगेगा, और यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों? आपका हाइड्रोजन लगेगा। तो क्या बना बच्चों आपका? यहाँ पर देखिए बना आपका सी एच थ्री और सी एच, यहाँ पर बच्चों क्या लगे? एच लग गया, और आपका क्या है? सी एच टू और बी आर लग गया। तो ये बच्चों आपका बना। अब ये बना बच्चों, लेकिन अब हमें यहाँ पर इसी पर हमें लगाना है क्या बच्चों? आपका ओ एच लगाना है। अब ओ एच कैसे लगाएंगे? आप चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करा दें बच्चों, और चाहे तो आप क्या ले लीजिए? ए जी ओ एच ले लीजिए, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अगर ए जी ओ एच से प्रतिक्रिया कराएंगे बच्चों तो ये बताइए, तो ए जी आपका कहाँ पर जाएगा? बी आर के साथ निकल जाएगा बच्चों। ए जी बी आर के साथ निकल गया, और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों? सी एस थ्री सी एच और एच, और क्या बन गया बच्चों? आपका सी एस टू ओ एच। तो ये बच्चों आपका प्रोडक्ट आ गया, और इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे बच्चों? देखिए, या तुम इसे इस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू और ओ एच, इसी को हमें लाना था बच्चों, इसी का नाम क्या है आपका? प्रोपेन वन आल है। तो इस प्रकार से बच्चों हम कन्वर्ट करेंगे। जब भी आपको OH पहले कार्बन परमाणु पे चाहिए तो आप केवल दिमाग में बैठाइए एंटी मार्कोनिकाफ रूल। एंटी मार्कोनिकाफ रूल से हम बैठा दिए पहले कार्बन परमाणु पर हैलोजन, इसके बाद हम आपका सिल्वर हाइड्रोक्साइड से प्रक्रिया कराए, तो आपका क्या बन गया बच्चों? ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोपेन वन आल बन गया। अब क्वेश्चन उठता है बच्चों कि हम आपका कैसे एंटी मार्कोनिकाफ रूल को बताएंगे। तो एंटी मार्कोनिकाफ रूल क्या बच्चों? एंटी मार्कोनिकाफ, एंटी मार्कोनिकाफ का नियम। तो एंटी मार्कोनिकाफ का नियम क्या होता है बच्चों? देखिए, आपका ऋणावेशित भाग कहाँ पर जुड़ता है? जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है। इसे बच्चों हम क्या लिखेंगे? किसी असममित एल्कीन से असममित, किसी असममित, किसी असममित एल्कीन से जब हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो ऋणावेशित भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है
से तुरड़ावेशित भाग उस कार्बन परमाणु से, यहाँ पे बच्चों द्विबंध की उस कार्बन परमाणु से लिख दे तो आपको डाउट्स नहीं आएंगे, द्विबंध के, द्विबंध के उस कार्बन, द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। ठीक है बच्चों, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है और हाइड्रोजन परमाणु, या तो बच्चों कह सकते हैं आप धनावेशित भाग, हाइड्रोजन परमाणु या धनावेशित भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, ऋणावेशित भाग द्विबंध के उस कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु, बच्चों मतलब धनावेशित भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो ये बच्चों आपका रोल है एंटी मार्कोनिक ऑफ रोल, और एंटी मार्कोनिक ऑफ रोल के सहायता से आसानी से आप कभी भी, अगर आपको 1 डिग्री कार्बन परमाणु को आपको हैलोजन ऐड करना है तो आप हमेशा याद रखिए एंटी मार्कोनिक ऑफ रोल लगाएंगे, अगर आपको 2 डिग्री पर ले जाना है तो आप कौन सा लगाएंगे बच्चों, आपका लगाना होगा फिर मार्कोनिक ऑफ रोल लगाना होगा। तो ये रहा आपका, जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बनाना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, और यह आपके यूपी बोर्ड ने पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, तो ये थोड़ा आप इंपॉर्टेंस देकर चलिएगा। 1 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बनाना है आपको, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, और इससे पहले हम आपका इंटर कन्वर्जन बताएं, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को हम ड्रा कर लें। तो क्या लिखा है बच्चों, प्रोपेन, तो प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, और 3 कार्बन में बच्चों एन है ना, यहाँ पर क्या प्रोपेन है, प्रो प्लस एन, तो आप ये किससे जुड़े होंगे, ये 3ों कार्बन परमाणु आपके एकल बंध से जुड़े होंगे। अब 1 ब्रोमो है तो बच्चों यहाँ पर काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3, और पहले कार्बन परमाणु से क्या जोड़ दीजिए आप, ब्रोमीन जोड़ दीजिए, बस ये हो गया बच्चों आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब आप हाइड्रोजन सैचुरेट कीजिए, हाइड्रोजन लगाइए, इस कार्बन ने कितने बंद बनाए, 1 2 2 लगेगा, इसने 1 2 तो कितने हाइड्रोजन, 2 लगा, इसने बच्चों 1 ही बनाया तो कितने लग गया आपका, CH3। तो किसका स्ट्रक्चर हो गया, ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम कहा यही बनाया आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन का, तो आपका क्या बनेगा, CH3 CH और BR, और बच्चों क्या रहेगा आपका, CH3। तो ये क्या रहा आपका, 2 ब्रोमोप्रोपेन रहा। अब इसे हम इंटर कन्वर्जन, इसका हम कैसे करेंगे, अब इसको हम 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में हम कैसे बदलेंगे बच्चों, इसके संबंध में आओ हम जाने। तो इसका आंसर देखिए बच्चों आप, तो हमने क्या ले लिया आपका, CH3 CH2 और CH2, बच्चों क्या ले लिया हमने, BR ले लिया। अब इस BR को उठा करके आपको कहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है, इस BR को उठा करके क्या करना है बच्चों, यहाँ पर करना है। तो ये आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, अगर जब भी आपको किसी की भी पोजीशनिंग चेंज करनी हो, जैसे कि हैलोजन है बच्चों यहाँ पर, तो आप सबसे पहले उसे आप एल्कीन या एल्काइन बनाइए, तो इसे हम क्या करेंगे, एल्कीन बना दें। तो हमने इसे क्या किया बच्चों, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी, AG आपका है, इसकी अभिक्रिया बच्चों हमने एल्कोहली
के ओ एस से करा दी बच्चों, एल्कोहलिक के ओ एस से बच्चों हमने इसकी अभिक्रिया करा दी। अब एल्कोहलिक के ओ एच इसका क्या करेगा बच्चों, ये आपका क्या करता है, आपका एल्कीन बना देता है। तो यहाँ से बच्चों एच बी आर निकले, और एच बी आर निकले तो बच्चों क्या बन गया आपका सी एस थ्री, सी एस डबल बंद, और क्या बन गया बच्चों आपका सी एस टू बन गया। अब बच्चों आप बताइए कि आपको जो हाइड्रोजन परमाणु ऐड करना है दूसरे कार्बन पर करना है ना, किस पर करना है, दूसरे कार्बन पर करना है। और हमने अभी बताया कि जब भी आपको दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु को ऐड करना हो तो हमेशा याद रखिए कौन सा रूल, मार्कोनिकाफ रूल। तो मार्कोनिकाफ रूल याद रहना चाहिए बच्चों आपको। अब इसी की अभिक्रिया हमने एच बी आर से करा दिया, और जब एच बी आर से अब कराएंगे बच्चों तो आपका क्या बन जाएगा सी एस थ्री। तो ये बच्चों देखिए ये बंद कहाँ पर ब्रेक होगा, यहाँ पर ब्रेक होगा, क्यों, यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर क्या आया प्लस आया। अब प्लस जो आएगा बच्चों यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये क्या आपका टू डिग्री कार्बन है। टू डिग्री क्यों, क्योंकि दो कार्बन परमाणु जुड़ा जिसे हम क्या कहेंगे टू डिग्री कहेंगे। तो बी आर यहाँ पर बच्चों ऐड हो गया, तो क्या बन गया सी एस थ्री सी एच, और बच्चों यहाँ पर लगा दिया आपका सी एस टू, और बी आर कहाँ पर ऐड हो गया बच्चों बी आर, और यहाँ पर क्या ऐड हो गया आपका एच ऐड हो गया, तो आपका क्या बना टू ब्रोमो प्रोपेन बना। तो ये बच्चों बहुत ही इजी है, आप अगर थोड़ा सा भी केयर करेंगे रिएजेंट और आपका क्या क्या दिया हुआ है बच्चों तो आप आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। और आपके एग्जाम में बच्चे लगभग आपका ये 8 से 10 नंबर के मार्क्स रखता है, तो बहुत ही इजी होता है, इसे आप आसानी से कर लेंगे, आप केवल लेक्चर को देखते रहिए। अब बच्चों हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 लगा रखे हैं, आपको टालुइन से क्या बनाना है बच्चों, आपको बेंजिल एल्कोहल बनाना है। अब टालुइन से आप कैसे बनाएंगे बच्चों, तो टालुइन क्या होता है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आपका बेंजीन रिंग होगा, अगर आपका क्या रहे बच्चों बेंजीन रिंग रहे, और बेंजीन रिंग से आपका सीधे CH3 ग्रुप जुड़ा रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों टालुइन कहते हैं, मिथिल बेंजीन कहते हैं। ये क्या है बच्चों आपका टालुइन है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों टालुइन कह लीजिए, या तो हम क्या कहते हैं मिथिल बेंजीन कहेंगे। और आपको क्या बनाना है बच्चों, आपको बनाना है बच्चों बेंजिल एल्कोहल। अब बेंजिल एल्कोहल का क्या मतलब है बच्चों, मतलब कहने का आपका सबसे पहले बेंजल होगा, तो ये क्या बना बच्चों आपका CH3, इसे हम क्या कहेंगे बेंजल कहेंगे, और इसे हम कहेंगे बेंजल, और बेंजल से जुड़ गया OS, इसे हम क्या कहेंगे बेंजिल एल्कोहल कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों आपका बेंजिल एल्कोहल कहेंगे, क्या कहेंगे आपका बेंजिल एल्कोहल कहेंगे। और बेंजिल एल्कोहल बच्चों आप बनाएंगे कैसे, इसके संबंध में आओ हम सीखें। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ से आपको हाइड्रोजन को हटा करके क्या यहाँ से बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों आपको क्या है टालुइन है, और यहाँ पे क्या बच्चों आपका बेंजिल एल्कोहल है। अब टालुइन से बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या जोड़ना, एक OH समूह जोड़ना है। अभी आपको हमने सिखाया कि जब भी आपको OH समूह जोड़ना हो तो सबसे पहले उसे हम क्या बना लेते हैं हैलोजन, वहाँ पर हम ऐड करेंगे। आइए हम हैलोजन ऐड करें, तो हमने क्या लिया बच्चों आपका टालुइन ले लिया बच्चों, और टालुइन की हमने क्या करा दी हैलोजन ही करा दिया बच्चों Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HMU। अब जब इसका हैलोजनीकरण कराएंगे बच्चों तो आपका क्या बन गया HCl निकल गया बच्चों, और आपका क्या बन गया CH2 और Cl बन गया बच्चों, क्या बन गया आपका CH2Cl बन गया। यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन लेकर निकल गया, और आपका दो हाइड्रोजन बचे तो बच्चों आपका क्या हो गया CH2 हो गया और Cl हो गया। अब इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी बच्चों, चाहे आप AgOH ले लीजिए और चाहे KOH लीजिए, और इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपका AgCl को लेकर के प्रेम पूर्वक निकल गया, और क्या बना दिया AgCl, और आपका क्या बन गया बच्चों आपका बेंजीन, और बेंजीन से लगा CH2 और CH2 से लगा OH, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों आपका बेंजिल एल्कोहल कहते हैं, या आप ऐसे लिखिए आपका ये रहा बेंजीन, और बेंजीन से हमने आपका CH2OH जोड़ दिया, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों बेंजिल एल्कोहल कहेंगे। तो इस प्रकार से आप टालुइन से बेंजिल एल्कोहल बनाएंगे।
सर थोड़ा कि स्टाफ करते अब बच्चों आपका हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लगे बच्चों यहाँ से 50 क्वेश्चन आपके करें, कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे और हमारी गारंटी है बच्चों कि 6 नंबर आपका कोई ना कोई माइक लाल नहीं जो आपसे ले ले। आप केवल कंटिन्यू लेक्चर देखिए बच्चों और आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आपके 6 से 8 नंबर बन जाएंगे यहीं से। तो अब आपका बच्चों हमने ले लिया है कि बेंजिल एल्कोहल से 2-फेरिल एथेनोइक अम्ल बनाना है बच्चों। अब क्या बनाना है बच्चों, क्वेश्चन आपका बेंजिल एल्कोहल और बेंजिल एल्कोहल से बच्चों कन्वर्ट करना है आपको, क्या बनाना है 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल, 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल। अब बच्चों इसे हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हमें तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये क्या है, बेंजिल एल्कोहल है। बेंजिल एल्कोहल क्या होता है, सबसे पहले बेंजिल लेना बच्चों, तो आप बेंजल बनाइए, बेंजीन बनाइए और बेंजीन से क्या ऐड कीजिए, CH2 ऐड कीजिए और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बेंजल कहते हैं। और बच्चों अगर यही हम इससे क्या जोड़ दें, आप कैसे बेंजल या बेंजिल कहेंगे बच्चों, और OH जोड़ दिए तो आपके क्या हो गया, बेंजिल एल्कोहल हो गया। और बेंजिल एल्कोहल से क्या बनाना है बच्चों को, 2-फेनिल बनाना है। तो ये रहा बच्चों C6H5, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका फेनिल कहेंगे। और फेनिल से आपको 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल, मतलब आपका CH2COOH हो गया बच्चों। 1 और 2 दूसरे कार्बन से ये ग्रुप अटैच है, तो इसे हम क्या कहें बच्चों, फेनिल। आपका जानते नहीं बच्चों C6H5 का जो नाम होता है बच्चों, उसका क्या नाम होता है आपका, फेनिल नाम होता है। क्या नाम होता है बच्चों आपका, फेनिल नाम होता है। तो ये जानते रहिए कि C6H5 का जो नाम होता है बच्चों क्या होता है आपका, फेनिल होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मतलब एक कार्बन की वृद्धि करनी है और एक कार्बन की जब वृद्धि करनी हो बच्चों, तो हमेशा याद रखिए आपको कोई साइनाइड तो लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आपको कौन सा साइनाइड ले लें, पोटेशियम साइनाइड KCl लेंगे और उसकी सहायता से एक कार्बन की वृद्धि करेंगे। तो आ जाइए बच्चों, आपका क्या है, सबसे पहले CH2OH है बच्चों, और CH2OH है और OH हटा करके हम यहाँ पर आपका CN ग्रुप जोड़ देते हैं बच्चों। अब CN ग्रुप जोड़ना कैसे करेंगे और इसके बारे में हम इसका आंसर को देखें। तो हमने क्या ले लिया बच्चों, आपका बेंजिल एल्कोहल ले लिया, और जो आपका बेंजिल एल्कोहल रहा उसकी अभिक्रिया KCN से करा दिया। और आपके बच्चों यहाँ पर उत्प्रेरक भी होते हैं, तो वह हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं। तो KCN ले लिया बच्चों। अब KCN जो ले रहे हैं बच्चों, यहाँ से आपका KOH को लेकर निकल गया और आपका क्या बन गया बच्चों, और आपका बन गया बच्चों CH2CN बन गया बच्चों। आपका जो CH2CN बना, अब बच्चों अगर कभी भी आपको साइनाइड ग्रुप दिख जाए और अगर आप साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब कहने का बच्चों अगर आपको साइनाइड ग्रुप दिखा और साइनाइड ग्रुप का अगर आप जल से अभिक्रिया करा देंगे बच्चों, तो आपका वह एथेनोइक अम्ल, तो आपका बच्चों वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो हमने इसका क्या कर दिया बच्चों, आपका जल अपघटन करा दिया। और जैसे ही बच्चों हमने जल से अभिक्रिया कराई और जल से अभिक्रिया कराएंगे, तो ये ग्रुप आपका जो ये साइनाइड ग्रुप है बच्चों, ये COOH में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब COOH में बच्चों देखिए ये आपका बदल गया, तो यहाँ पर आपका CH2 रहा बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया COOH। तो आपका ये क्या बन गया बच्चों, 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल। काउंट कर लीजिए आप 1, 2, और इस ग्रुप का क्या नाम है बच्चों, फेनिल नाम है। तो 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल है, 2-फेनिल एथेनोइक एसिड इसका नाम निकल के आया बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपके 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। जैसा कि बच्चों हमने आपका 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब आपका हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 5 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों,
बच्चों आपको एथेन से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है बच्चों। क्या बनाना है बच्चों आपको? एथेन। एथेन से क्या बनाना है बच्चों आपको? प्रोपेन। प्रोपेन नाइट्राइल। अगर बच्चों आप इसे देखेंगे तो सबसे ज्यादा इजी, इसमें कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले हमारा कंफ्यूजन क्या, एथेन आपका कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ए था ना बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या देखेंगे आपको, यहां पर एथेन से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा एथेन कैसे लिखेंगे, और एथेन में बच्चों सबसे पहले देखिए एथ लिखा हुआ है, और एथ मतलब दो कार्बन बच्चों, हमने यहाँ पर आपके दो कार्बन बना दिए, और एन है बच्चों आपका एकल बंद होगा, इसे हमने सैचुरेट कर दिया था, आपका क्या एथेन का स्ट्रक्चर निकल गया CH3 और CS3 से बच्चों आपको क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है। मतलब आपको क्या बनाना है, CH3 CS2 और बच्चों आपका CN। ये बच्चों आपका क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल है। ये क्या है बच्चों आपका, प्रोपेन नाइट्राइल है। अब क्वेश्चन उठता है अब इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए बच्चों ये आपको तो एथेन दिख ही रहा है, और ये क्या है बच्चों, KCN। याद आ गया बच्चों? आप जायसा आप सोचिए, अगर आपको एथेन से क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल बनाना, तो किससे अभिक्रिया कराइए, पोटेशियम साइनाइड KCN से कराइए। लेकिन सबसे पहले आप KCN से कराने से पहले बच्चों आप क्या करेंगे, कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए। जैसे कि यहाँ पर यदि हम डायरेक्टली करा दें, तो जैसे बच्चों हमने क्या ले लिया आपका CH3 और CH3 हमने लिया बच्चों, इसके अभिक्रिया हमने KCN से करा दिया, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, CH3 CS2 और CN बन गया। तो ये क्या बच्चों आपका, प्रोपेन नाइट्राइल है। अब बच्चों आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपका दिया है आप एथेनॉल से बनाइए बच्चों प्रोपेन नाइट्राइल। इसे भी देख लिए बच्चों, आपको क्या बनाना है, एथेनॉल। एथेनॉल से क्या बनाना है बच्चों आपको, प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, प्रोपेन नाइट्राइल। अब प्रोपेन नाइट्राइल एथेनॉल मतलब बच्चों CH3 CS2 OH आपका एथेनॉल हो गया बच्चों, इसी को कन्वर्ट करना है आपको, किसमें करना है, प्रोपेन नाइट्राइल मतलब CH3 CS2 और CN में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे बच्चों, इसके संबंध में आओ हम जाने, ये बहुत ही आसानी से बच्चों आप इसे कर सकते हैं। एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बच्चों आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे और इसके विषय में हम सीखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये आपका एथेनॉल हो गया CH3 CS2 और OH हो गया। अब सबसे पहले बच्चों हमने आपको बताया है कि जब भी आपको OH समूह ऐड करना है बच्चों, या तो बच्चों अगर आपको कोई और क्रियात्मक समूह ऐड करना है तो आप क्या कह दिए, सबसे पहले आप उसे हेलो एल्केन बनाइए। तो इसको बच्चों आप हेलो एल्केन कैसे बना देंगे, आप इसकी अभिक्रिया किससे करा दीजिए, इसकी अभिक्रिया हमने बच्चों आपकी करा दिया HCl से, और यहाँ पर अगर बच्चों HCl से अभिक्रिया आप कराएंगे तो क्या होगा आपका, तो ये इसे प्रीफर तो नहीं करेंगे बच्चों, तो ये मत कराइए आप। देखिए हमने ले लिया आपका CH3 CS2 और क्या ले लिया बच्चों आपका, OH ले लिया। अब इसको हम कैसे कराएंगे, सबसे पहले बच्चों आप इसे एल्कोहलिक KOH लेकर आइए, एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH लाएंगे तो क्या बनेगा आपका, CH2 डबल बंद बच्चों आपको क्या बन गया, CH2 हो गया। अब ये जो बना CH2 डबल बंद CH2, इसी की अभिक्रिया करा दीजिए बच्चों KCN,
पोटेशियम साइनाइड। अब पोटेशियम साइनाइड से बच्चों आप कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, CH3। और बच्चों अगर आप पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे, देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या था, एथेनॉल है, और एथेनॉल से बच्चों को क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। और जो बच्चों आपको प्रोपेन नाइट्राइल हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, CH3 CH2 OH, आपका एथेनॉल रहा, और इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन नाइट्राइल में, मतलब CH3 CH2 और CN। तो CH3 CH2 CN इसे कन्वर्ट करना है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, आपका जो एल्कोहल दिया है CH2 और OH, एल्कोहल जो दिया बच्चों इसको सबसे पहले आप हैलो एल्केन बनाएंगे। अगर आपको OH की जगह कोई हैलोजन जोड़ना है तो बच्चों आप याद रखिए लाल फास्फोरस, आपने लाल फास्फोरस और आयोडीन की जब अभिक्रिया कराएंगे इससे तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2 और बन गया बच्चों आपका आई। अब CH3 CH2 I जो बना बच्चों, अगर यहाँ पर हमने अगली अभिक्रिया आप किससे करा दी, आप KCN से करा दी, और KCN से करा दी तो आपका KI ये लेकर बच्चों क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और आपका क्या बन गया बच्चों, CH3 CH2 और CN क्या बन गया बच्चों, आपका प्रोपेन नाइट्राइल बन गया बच्चों। तो ये आपकी बहुत ही सरल है, और ये बच्चों थोड़ा सा आप इम्पॉर्टेंट मानकर चलिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट है ब्रोमो 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, तो ये बच्चों आपको बनाना है। तो सबसे पहले बेंजीन ले लीजिए बच्चों, आप आपने क्या ले लिया, ये बच्चों आपका बेंजीन है, और बेंजीन को कन्वर्ट करना है बच्चों 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, तो कहने का मतलब बच्चों आप यहाँ पे ब्रोमीन कनेक्ट कर दिए और यहाँ पर हमने क्या कनेक्ट कर दिया, NO2। तो ये क्या है बच्चों का 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे और सीखें, तो सबसे पहले बच्चों आप बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बना रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहला काम बच्चों आप इसका क्या कराइए, हैलोजनीकरण कराइए। अब बेंजीन की जब हैलोजनीकरण कराएंगे बच्चों, हैलोजन सक्रिया कराएंगे, तो आपको पता है बच्चों आपने Cl2 से करा दिया, तो यहाँ पर हमने एक आपका हाइड्रोजन, जहाँ जहाँ पर आपका बच्चों कार्बन है वहाँ वहाँ पर आपको बच्चों क्या मिला है, हाइड्रोजन है, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन लेकर निकल गया या Cl, तो आपका क्या प्राप्त हो गया बच्चों, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ बच्चों। अब जो बच्चों आपको क्लोरोबेंजीन बना, सॉरी यहाँ पर बच्चों आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर जो ले रहे हैं आपका ब्रोमीन Br2 सब क्रिया कराएंगे बच्चों, और वह भी आपकी अंधेरे में कराएंगे। आप जब अंधेरे में Br2 सब क्रिया कराएंगे बच्चों, तो एक ब्रोमीन आपका निकल जाएगा हाइड्रोजन लेकर के, HBr निकल गया बच्चों, तो आपका क्या बन गया बच्चों, ब्रोमोबेंजीन बन गया। और जैसे ही ब्रोमोबेंजीन बना बच्चों, तो ब्रोमोबेंजीन जब बना तो आप क्या करेंगे बच्चों, ब्रोमोबेंजीन को चेंज करना है आपको 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, मतलब आपको 1, 2, 3 और 4 पर क्या चाहिए बच्चों, नाइट्रो चाहिए। अब नाइट्रो लगाने के लिए जब भी आपको नाइट्रेशन कराना हो तो याद रखिए आप नाइट्रेशन हैलोजन्स के कैसे कराएंगे बेंजीन रिंग वाले, तो सांद्र H2SO4 ले लीजिए बच्चों, और सांद्र HNO3 ले लीजिए बच्चों। अब जब सांद्र HNO3 और H2SO4 के क्रिया कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको NO2 ग्रुप मिलेगा, और NO2 ग्रुप हमेशा जानिए बच्चों कि आपका जो बेंजीन क्या होते हैं, बेंजीन से अगर आपका हैलोजन लगा है तो आपको पैरा और आपका आर्थो डायरेक्टिंग होगा बच्चों, पैरा और आर्थो डायरेक्टिंग होगा, तो आपका बच्चों जो मेन प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बनेगा, NO2 यहाँ पर लग गया बच्चों, मतलब 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बना। इसके अलावा बच्चों आपका आर्थो भी बनेगा, लेकिन आपकी केवल बात किया गया है इसके, तो आप इसको जानिए बच्चों, क्योंकि ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा,
ये बच्चों क्या आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब बच्चों आपका हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों कह रहा है आपका 2-chlorobutane, इसने क्या कहा बच्चों आपको 2-chlorobutane। अब 2-chlorobutane से बच्चों आपको क्या बनाना है, 2-chlorobutane से 3,4-dimethylhexane बनाना है बच्चों। क्या बनाना है आपको 3,4-dimethylhexane। मतलब बच्चों आपको ब्यूटेन से अब बनाना है बच्चों 3,4-dimethylhexane। अब ये आप बच्चों कैसे बनाएंगे, तो जब भी आपको कार्बन की वृद्धि करनी हो, तो बच्चों अगर आपको एक से ज़्यादा कार्बन की वृद्धि करनी है ऐसे रिएक्शन में, तो आप हमेशा याद रखिए वो उड्स अपक्रिया से बच्चों आप इसे बना सकते। जैसे कि अब 2-chlorobutane कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH Cl, और बच्चों आपका CH3। ये क्या है बच्चों 2-chlorobutane है, और 2-chlorobutane से आपको क्या बनाना है 3,4-dimethylhexane, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। ये क्या बच्चों हेक्सेन हो गया, और काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 3 और 4 पे मेथिल है, तो यहाँ पर बच्चों आप मेथिल लगाइए, और यहाँ पर आप क्या लगाइए बच्चों मेथिल लगाइए। आप सैचुरेट कीजिए, तो CH3 CH और CH CH CH2 और बच्चों CH3। तो ये क्या निकला बच्चों 3,4-dimethylhexane निकला। अच्छा ये बताइए बच्चों, अगर यही आपका यहाँ से देख लिया बच्चों, क्या यहाँ तक आपके तीन कार्बन है, क्या यहाँ तक तीन कार्बन है, और बच्चों यहाँ पर तीन कार्बन का दुगना हुआ है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या बच्चों दुगनी हो जाए, तो आप जान जाइए कि कौन सी अभिक्रिया आ गई आपकी, उड्स अभिक्रिया। अब बच्चों इसका सोल्यूशन देखिए, इसको हम हल कैसे करेंगे, आंसर इसका कैसा रहेगा बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या लिया आपका CH3 CH2 और CH और Cl ले लिया बच्चों, और इसकी अभिक्रिया आप किससे कराते हैं बच्चों, जब आप हैलो एल्केन लेते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप सोडियम धातु से कराते हैं, तो आपका डबल कार्बन परमाणु के एल्केन मिलते हैं। तो आप बच्चों देखिए, अब यहाँ पर हमने यहाँ आपका सोडियम परमाणु लिया 2Na, और इसके दो मोल लेते हैं बच्चों, कितने मोल, दो मोल, हमने दो मोल लिया आपका Cl CH और CH3, और बच्चों आपका हमने ले लिया CH2 और CH3। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, ये आपका इतना पोर्शन निकल गया क्या 2NaCl, तो अब 2NaCl बच्चों आपका यहाँ से निकल गया। अब जब बच्चों आपका 2NaCl निकल गया, तो क्या बचा आपका CH3 CH2 CH और CH3, और क्या बच्चा बच्चों आपको CH और CH3 और CH2 और CH3। तो ये प्रोडक्ट का नाम क्या होगा बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 4 पर है, 3 पर मेथिल है, तो क्या निकलेगा बच्चों 3,4-dimethyl, और बच्चों आपका क्या होगा हेक्सेन होगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बना, और जो प्रोडक्ट बना बच्चों वो किस अभिक्रिया से बना, उड्स अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया क्या बच्चों, जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर में हम किससे करा देते हैं, सोडियम धातु से करा देते हैं, तो आपकी एल्किल हैलाइड अपने से दुगने कार्बन परमाणु के एल्केन बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसको हम जान लेते हैं, और ये आपका इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बच्चों,
ये आपका एक नेमिंग रिएक्शन है, इसे आप जानते रहिए। कि जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम किससे करा दें बच्चों, सोडियम धातु से करा दें, किससे करा दें आपका सोडियम धातु से करा दें, जब हम किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करा दें सोडियम धातु से करा दें, किससे बच्चों शुष्क ईथर में, किससे बच्चों आपके शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका क्या बन जाते हैं, आपका क्या बन जाता बच्चों एल्केन बन जाता, जिसको हम क्या कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपका क्वेश्चन 8 तक हो गया। यहाँ पर बच्चों हम आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों में क्या करना है, 2-methyl-1-propene, 2-methyl क्या बच्चों आपका 2-methyl-1-propene को कन्वर्ट करना है बच्चों 2-chloro-2-methyl-propene में। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर लिखे बच्चों आपका कैसा होता है। तो सबसे पहले प्रोपीन है बच्चों, तो प्रोपीन में कितने कार्बन, 3 कार्बन हो गए बच्चों, और 1-propene है मतलब आपका डबल बंद पहले वाले कार्बन से आपका क्या होगा अटैच हो गया। तो आपको एक चीज और बच्चों 2-methyl है, दूसरे पर क्या मेथिल ग्रुप हमने लगा दिया बच्चों। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के रहा तैयार, और यहाँ पर देखिए 1 बंद 2 बंद और तीसरा 2 आपके यहाँ बच्चों हमने बना दिया CH2, और 1 बंद ये बनाया 2 बंद और 3 बंद, तो यहाँ पर और बच्चों 1 बंद दिया ना तो 4, और यहाँ बच्चों ने लगा दिया आपका CH3। इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है 2-methyl-1-propene, और 2-methyl-1-propene से बच्चों आपको क्या बनाना है, यहाँ पर देखिए 2-chloro-2-methyl-propene। प्रोपेन का क्या मतलब है बच्चों, सबसे पहला मूल शब्द पकड़ा कीजिए, जो भी कार्बन परमाणु के नाम है और जो मूल शब्द है बच्चों उनका नाम पकड़िए। तो प्रोप मतलब 3 कार्बन 1, 2 और 3, और एन है बच्चों एकल बंद लगाइए, और 2-methyl है तो काउंटिंग कर लीजिए 1, 2, 3, और बच्चों आपका दूसरे से क्या लगा हुआ है मेथिल लगा हुआ है, और दूसरे से ही बच्चों आपका क्लोरीन भी लगा हुआ है, और दूसरे से बच्चों आपका क्लोरीन लगा थे आपने लगा दिया आपका क्लोरीन, आप सैचुरेट कर दे CH3, तो 1 बंद 2 बंद 3 और 4, तो यहाँ पर आपको CH3 रहा। तो ये स्ट्रक्चर बच्चों दिख रहा है, और इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों इसके विषय में आओ हम सीखें। तो सबसे पहले बच्चों आपका स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CH3 और डबल बंद बच्चों के आपका CH2 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको कन्वर्ट किस में करना है बच्चों, 2-chloro में करना है। अब 2-chloro में करना है तो सबसे पहले बच्चों हम लेकर आ गए आपका HCl, और बच्चों आप जब HCl लेकर चले आए, और जब बच्चों हम HCl लेकर चले आए आपको बताइए कि क्लोरीन किस पर कनेक्ट करना है, दूसरे कार्बन पे, और दूसरे कार्बन पे जब भी आपको हैलोजन अटैच करना हो तो आपको याद होना चाहिए मार्कोनी का रूल। आप HCl से रिएक्ट करा दीजिए, हो गया आपका काम, क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्लोरीन जाकर बैठेगा, और यहाँ पर कौन बैठेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर कौन बैठेगा बच्चों क्लोरीन बैठेगा, और यहाँ पर कौन बैठेगा हाइड्रोजन, तो लगाइए बच्चों क्या बनेगा आपका CH3 C, और यहाँ बच्चों अब क्या लग गया CH3, और यहाँ पर लग गया Cl, और बच्चों अब क्या लग गया CH3। तो ये बच्चों आपका क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, ये आपको देखिए बच्चों हमने इस CH3 को ऊपर कर दिया, से कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर आप Cl ही लगा लीजिए, और यहाँ पर आप CH3 लगा दिए, तो ये प्रोडक्ट बच्चों आपका बन के आपके सामने आया। अब बच्चों आपका हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा बच्चों, कि BUT1-EN से क्या बच्चों BUT1-EN से आपको बनाना है N-butyl-iodide, क्या बनाना है बच्चों आपको N, मतलब नॉर्मल होता है बच्चों N-butyl-iodide, आपको क्या बनाना है बच्चों N-butyl-iodide। अब बनाएंगे कैसे, सबसे BUT1-EN के स्ट्रक्चर बनाइए, तो CH3 CH2 और CH डबल बंद बच्चों आपको क्या आ गया CH2, तो क्या है आपका BUT1-EN है बच्चों,
और बीट ब्यूट वन एन से बनाना है आपको ब्यूटिल, तो सी एस थ्री सी एस टू और सी एस टू और सी एस टू आई। तो ये क्या है बच्चों, ब्यूट वन एन से क्या बना है आपका, एन ब्यूटिल आयोडाइड। अब बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर केवल क्या जोड़ना है बच्चों, आयोडीन जोड़ना है। अगर आपको आयोडीन जोड़ना है बच्चों, तो आयोडीन तो ऐसे हम डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, आपको याद होगा अभिक्रिया आप पढ़े होंगे, एक फिंगल स्टीन अभिक्रिया। और फिंगल स्टीन अभिक्रिया कराने से पहले आपको यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, क्लोरीन या ब्रोमीन लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या ला लिया आपका, ब्रोमीन ला लेते हैं। तो सी एस थ्री सी एस टू सी एच डबल वन सी एस टू। और अगर पहले कार्बन परमाणु पे आपको हैलोजन लाना हो, तो आप याद करिए बच्चों कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकाफ रूल। और एंटी मार्कोनिकाफ रूल हम लेकर आ गए बच्चों एच बी आर, और यहाँ पर हमने रख दिया बच्चों आपका कोई पराक्साइड। तो कौन सा रूल लगा, एंटी मार्कोनिकाफ रूल लगा बच्चों। और एंटी मार्कोनिकाफ जो रूल लगा बच्चों, तो आपका क्या बन गया बताइए, सी एस थ्री सी एस टू और सी एस टू और सी एस टू आई बना बच्चों, सॉरी आपका बी आर, तो बी आर बनाइए। तो क्या बना बच्चों, बी आर बना। और यही की अभिक्रिया आप किससे करा दीजिए, सोडियम आयोडाइड से, सोडियम आयोडाइड से करा दीजिए बच्चों। देखिए सोडियम की आकार क्या होगा, छोटा होगा किससे, आयोडीन के अपेक्षा, तो ये बांड उतना प्रीफर नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाए, सोडियम ब्रोमीन को लेकर के क्या गया फरार, तो सोडियम ब्रोमाइड निकला और क्या बच गया बच्चों का, सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू और सी एस टू और आपका क्या है बच्चों, आई आ गया। तो ये क्या बच्चों, यन ब्यूटिल आयोडाइड है। ये क्या बच्चों, यन ब्यूटिल आयोडाइड है। तो ये बच्चों आपको आपके 10 क्वेश्चंस रासायनिक परिवर्तन के रहे बच्चों। यदि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को बच्चों आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट्स बचा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और जय भारत।